हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आ गए हैं कच्चे आम की चटपटा स्वादिष्ट अचारी सब्जी की रेसिपी, जो कि फ्रेंड आपको लू से बचाएंगे। अगर धूप में आप गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो इस आम के सब्जी को रोज़ एक दो पीस खा सकते हैं। इसे बनाकर आप सप्ताह 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। फ्रेंड, गर्मी में इस सब्जी को ज़रूर खाना चाहिए। अभी कच्चे कैरी आ रहे हैं, बाज़ार में आसानी से मिल रहा है। फ्रेंड, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कच्चे कैरी का सब्जी बनाने के लिए हम 700 ग्राम कच्चे कैरी लिए हैं। उसको अच्छी तरह से धुल कर इस तरीके से पीसेस में काट लिए हैं, उसका बीज निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड, इधर हम 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे। पानी गर्म हो गया है तो अब हम आम के पीसेस को डाल देंगे पानी में, ढक कर 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे, ज़्यादा नहीं उबालेंगे। 2 से 3 मिनट उबाल लिए हैं फ्रेंड, आम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इस तरीके से छन्नी वाला बर्तन लेंगे, होल वाला, उसमें डाल देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसका निकल आए, और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि आम का कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए, ज़्यादा नहीं पके। तो इस तरीके से धुल लेना है, उसके बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है, 5 मिनट तक एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं फ्रेंड। 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भी डाले थे, वीडियो स्किप हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाला का घोल तैयार कर लेंगे। इससे क्या होता है कि मसाला जलते नहीं है और मसाले का टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा सा फूल जाता है पानी में। तो इस तरीके से बैटर तैयार कर लिए हैं मसाला का, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो अब हम इसमें कुछ खड़ा मसाला यूज करेंगे, तो आप इसे पचफोरन भी बोल सकते हैं फ्रेंड। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाले हैं, 1 टीस्पून अजवाइन डाले हैं, 1 टीस्पून सरसों दाना, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून कलौंजी। सबको अच्छी तरह से मिला लेना है इस तरीके से। 1 टीस्पून मेथी का दाना भी डाले हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से सबको अच्छी तरह से मिला लेना है मसाले को। तो फ्रेंड, हम मसाले को मिलाकर तैयार कर लिए हैं। तो इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे थे, उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाले हैं फ्रेंड। सरसों तेल में सब्जी अच्छे बनते हैं। तो अब हम आम को डाल देंगे तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद। तो 1 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए तेल में भून लेंगे, हल्का सा सुनहरा होने तक आम को। हल्का सा आम को भून लेने से तेल के साथ एकदम स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है फ्रेंड ये कच्चे केरी की सब्जी। तो 1 से 2 मिनट आम को भून लिए हैं फ्रेंड। तो अब हम इसमें मसाले वाले घोल जो तैयार करके रखे थे उसको डाल दिए हैं। तो चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि आम मेरा पका हुआ है पहले से। तो फ्रेंड, अब हम इसमें टेस्ट को बैलेंस में रखने के लिए 2 चम्मच चीनी यूज करेंगे, क्योंकि कच्चा आम खट्टा होता है फ्रेंड। तो हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो ज़्यादा खट्टा नहीं लगेंगे।
खट्टा मीठा चटपटा सब्जी तैयार होगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 4 चम्मच चीनी यूज कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन हम ज़्यादा मीठा नहीं बना रहे हैं, तो ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो 1 मिनट पका लिए हैं फ्रेंड, सब्जी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। इस आम की सब्जी बनाने में फ्रेंड टोटल 5 मिनट का समय लगता है। तो वाह, आप देख सकते हैं कच्चे आम का चटपटा स्वादिष्ट अचारी सब्जी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना डिलीशियस, हेल्दी, चटपटा कच्चे केरी की सब्जी बनकर तैयार है फ्रेंड। तो आप इसे कच्चे केरी की अचारी सब्जी भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड। कच्चे आम की सब्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं गर्मी में। तो फ्रेंड अभी इतना भयंकर गर्मी चल रहा है, तो लू से बचने के लिए आप इस सब्जी को ज़रूर बनाएं फ्रेंड। आप इस सब्जी को दाल, चावल, पूरी, पराठे, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं फ्रेंड, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। बिना फ्रिज का भी आप इसे 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। अगर फ्रिज में रख कर खाएँगे तो आप 10 दिन तक इस सब्जी को खा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको कच्चे केरी की अचारी सब्जी का रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और फ्रेंड फिर से याद दिला देते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।